बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बोनलेस चिकन हांडी। तो बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास चिकन है, मेरे पास यहाँ पर 700 ग्राम मेरे पास चिकन है। मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसके अंदर जो है ना वो दही शामिल किया है। और मसालों के अंदर मैं जो इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पाउडर और साथ में नमक। ये सारी चीज़ें ½ टीस्पून है सिर्फ नमक के, वो मैंने हसबे ज़रूर यूज़ किया है। ठीक है, तो आप इसके अंदर लहसुन अदरक पाउडर के बजाय इसका पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल कर लें। मैंने नहीं पीसा था लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसलिए मैंने, मेरे पास पाउडर पड़ा था तो मैंने ना जो पाउडर का मैंने ना उसी का इस्तेमाल कर लिया। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे फ्रेश की तो बात ही दूसरी होती है, लेकिन मैंने नहीं पीसा तो मैंने इसलिए पाउडर डाल दिया। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, दही को डालकर, सारे मसालों को डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर आपने इसको जो है ना जो मैरिनेट है ना वो कर लेना। आप इसको जितनी देर भी चाहें आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए रख दें, 2 घंटे रख दें, जितना आपके पास टाइम है आप उसको रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए। आप आधे घंटे भी रख सकते हैं इसको। मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ, आपकी मर्ज़ी। आप जितना मर्ज़ी आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं, उस टाइम भी इसको बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस मैं इसको मैरिनेट के लिए रख देती हूँ। देखिए चिकन मेरा मैरिनेट हो गया है। अब जो हम इसका मसाला बनाना है ना, हम इसका मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल ले लिया है 1/2 कप। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज, जहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया था और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी प्याज की और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर पेस्ट बना ली है। अब इसी सेम ऑयल के अंदर मैं ये सारा जो पेस्ट बनाई वो मैं डाल दूँगी और इसको 10 मिनट तक के लिए हम ढक कर पकाएँगे अच्छे से। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन जो था ना वो हम इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए रखेंगे 20 से 25 मिनट तक के लिए। मैक्सिमम इतना टाइम तो इसको पकने में लगेगा क्योंकि दही अभी काफ़ी पानी इसके अंदर छोड़ेगा और उसके बाद जो है चिकन गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको गलने में और पानी के ड्राई होने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तो लगेंगे इसको अच्छे से पकने में। तो बस बहुत ही सिंपल सी ये हांडी मैं बना रही हूँ, चिकन हांडी, जल्दी से पकने वाली हांडी। ऐसी गर्मियाँ बहुत होती हैं ना, तो उसमें दिल करता है बस जल्दी से चीज़ पक के तैयार हो जाए, वही बस घर में खाने में बनाए। तो बस ये बहुत जल्दी से पकने वाली, तैयार होने वाली चिकन हांडी है, तो इसलिए मैं इसको बस अब ढककर 20 से 25 मिनट के लिए मैं पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और देखिए चिकन जो गल गया है, बस मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जो पानी वो भी ड्राई हो जाए और ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाए। देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब देखिए अच्छे से मसाला भून गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पानी। अब पानी की जितनी मर्ज़ी मिकदार यूज़ कर लें, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है आपने कितनी सी ग्रेवी रखनी है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, नान के साथ भी। तो इस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी को एडजस्ट कर लें। इसे रोटी नान के साथ खाना तो थोड़ा गाढ़ा रख लें, लेकिन अगर चावल के साथ खाना है तो उसके साथ थोड़ा सा अगर ग्रेवी होगी तो अच्छा लगता है, क्योंकि चावल के साथ खाने में आसानी रहती है। तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी ग्रेवी रख रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में चावल रोटी दोनों के साथ खाया जाएगा। मेरे पापा इसको रोटी से खाने वाले हैं और मेरी सिस्टर और मैं इसको चावल से, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रख रही हूँ मैं। और इसको हरी मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर। बस मैं इसको ना 5 मिनट तक पकाऊँगी। देखिए सालन 5 मिनट के बाद पककर तैयार हो गया है। हरी मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर डाला करें। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी इसके अंदर, 1/4 टीस्पून के जितना मैंने इसके अंदर गर्म मसाला जो है ना उसका पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है। और इसको मैं बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस अब चूल्हा बंद करके आप उसको, आपको उसमें से सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने हांडी को सर्व कर दिया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्राई करके पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।